तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के लिए दिमाग शांत करना पड़ेगा, विजुलाइजेशन कैसे करें, विजुलाइजेशन करते वक्त गलत गलत हमारे जो है ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं तो विजुलाइज कैसे करें, मन को शांत कैसे करें, और फिर ये भी सवाल तो होता ही है कि भाई विजुलाइजेशन करने से भला क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है वगैरह वगैरह। तो उन सारी चीज़ों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो एक टेक्निक मैं बताऊंगा, एक मेडिटेशन भी बताऊंगा जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन से आप जो है जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक सही मेंटल स्टेट में आप पहुंचेंगे बहुत ही फास्ट इस मेडिटेशन को करके। तो आज का वीडियो बिना स्किप किए आराम से ध्यान से सुनिए, बहुत फ़ायदा होगा। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं कि भाई विजुलाइज करके क्या होगा, अगर मैं विजुलाइज करूँ कि मुझे 1 करोड़ का चेक मिल रहा है तो क्या मिल जाएगा, क्या 100 करोड़ का चेक मुझे मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी कल्पना में आप अपने आप को भी 1 करोड़ नहीं दे सकते तो भला दूसरे आपको 1 करोड़ कैसे देंगे। अगर आप अपनी कल्पना में अपने आप को मर्सिडीज़ नहीं दे सकते, बेंटली नहीं दे सकते, 100 करोड़ नहीं दे सकते, 10,000 करोड़ नहीं दे सकते, तो भला आपको दूसरे कैसे वो सारी चीज़ें दे देंगे। तो पहले आप अगर अपने आप को दे सकते हैं तभी जो दुनिया है वो आपको वो चीज़ें देगी। तो जो भी आप चाहते हैं पहले आप अपने आप को दो। जब आपका मन, आपका अंतर्मन ये स्वीकार कर लेगा कि हाँ मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ और ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, जब आप खुद अपना अंतर्मन और आप अपने आप को वो चीज़ देते हैं तो उसके बाद फिर यूनिवर्स भी आपको वो चीज़ दे देता है। अगर आप ही नहीं दे सकते, आपका अंतर्मन ही नहीं दे सकता, आप ही उसको रिजेक्ट कर रहे हैं आइडिया को, आपका अंतर्मन ही उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो फिर भला यूनिवर्स और दुनिया कैसे आपको वो चीज़ दे देगी। तो ये है आपको समझने की बात। तो विजुलाइज काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा उस आइडिया को और आपके अंतर्मन को वो आइडिया स्वीकार करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ होगी। तो उसके लिए पिछला जो वीडियो था इनपुट आउटपुट थियरी वाला और भक्ति वाला, तो ये सारे जो वीडियोज़ थे उनको आपको ध्यान से सुनना है, देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब विजुअलाइजेशन ही क्यों काम करता है ज़्यादा, बिकॉज विजुअलाइजेशन जो है आपका अंतर्मन जो है वो विजुअल्स को ज़्यादा समझता है। आप जब भी किसी चीज़ को याद करते हैं अपनी मेमोरी में तो आप वास्तव में अपने विजुअल्स को याद करते हैं कि मतलब मैं स्कूल में था, मैं सेकंड क्लास में था तो उस वक्त क्या हुआ था, तो ये मेरी मेमोरी में विजुअल्स के फॉर्म में स्टोर होगा। तो इस तरीके से आपके मन में जितनी भी स्मृतियाँ हैं जो भी है वो सब कुछ विजुअलाइजेशन के फॉर्म में होता है। ये एक नेचुरल फंक्शन है आपके अंतर्मन का और मन का कि आप विजुअलाइज करते हैं, तो चित्र और वीडियोज़ ये आपको याद रहते हैं, और इसीलिए इसी को यूज़ करके आप अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। और आपके अंतर्मन को ये नहीं समझ में आता कि रियलिटी क्या है और सपना क्या है, बिकॉज आप जब सपने में अगर भाग रहे हैं और भागते भागते गिर जाते हैं तो कभी कभी आप असल में उठ जाते हैं, आप जो है शौक होके हिल के जो है जाग जाते हैं, डर जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि अंतर्मन को ये नहीं पता कि ये जो सपना चल रहा है वो सिर्फ सपना है, असलियत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सपने में सपना देखते देखते ही हम जाग जाते हैं लेकिन हम उठ नहीं पाते, तो ऐसा भी होता है। तो ये मन के सारे अलग अलग डायमेंशंस है और आपके अंतर्मन को ये नहीं समझ में आता कि रियलिटी और सपना अलग अलग होता है। तो अगर आप विजुअलाइज करेंगे और बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो वो जो सपना है उसको भी आपका अंतर्मन स्वीकार कर लेता है, कंसिडरिंग कि ये रियलिटी है। और जब वो अंतर्मन उसको स्वीकार कर लेता है तो वो चीज़ हो जाती है। वास्तव में सारा जो मैजिक है वो है अंतर्मन में। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि अंतर्मन का एक सर्कल है और ये जो सर्कल है वो है सर्कल ऑफ हैप्पीनेस। तो अंतर्मन जब खाली होता है, अकेला होता है, तो वो आनंद रूप होता है, आनंद स्वरूप होता है। हमारे योग साधना में भी कहा है कि आनंद की प्राप्ति हमको करनी है, सत्चित आनंद की प्राप्ति करनी है। तो वास्तव में हमारा जो अंतर्मन है वो हमेशा सत्चित आनंद में ही होता है, लेकिन जब हम डिज़ायर्स लेके आते हैं, हम कोई चीज़ उसमें लेके आते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो वो उस जो है अंतर्मन को ढक देते हैं, वो सारी डिज़ायर्स, वो सारा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, टेंशन, नेगेटिव थिंकिंग, वो सारी चीज़ें जो है ढक देती हैं अंतर्मन को। और जब भी हम उसमें से एक चीज़ को हटा देते हैं तो हम आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे कोई चिंता है हम उसको हटा लेते हैं तो अंतर्मन एक्सपोज हो जाता है वापस, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। कोई डिज़ायर है जो कवर कर रही है अंतर्मन को, हम उस डिज़ायर को फुलफिल कर लेते हैं तो डिज़ायर हट जाती है, तो अंतर्मन से हमें हैप्पीनेस प्राप्त होती है। तो इसी तरीके से हैप्पीनेस तो हमेशा है लेकिन उसको ब्लॉक कर रहे हैं हम विद नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स, तरह तरह के डिज़ायर्स, टेंशन, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। और इसलिए हमारे अंदर ही वो सच्चित आनंद है लेकिन हमको वो प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, जो डिज़ायर हम फुलफ़िल कर सकते हैं उसको हम फुलफ़िल करेंगे, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे।
जब ये करेंगे हम तो अपने आप ही हम सच्चिदानंद को प्राप्त करेंगे, यानी कि हैप्पीनेस को प्राप्त करेंगे, पीस को प्राप्त करेंगे और जो भी हम चाहते हैं उसको प्राप्त करेंगे। तो हमारे अंतर्मन तक पहुंचना ही जो है जरिया है हर चीज़ को प्राप्त करने का। कैसे पहुंचेंगे? ध्यान से पहुंचेंगे। एक तो है एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, और अगर हम उसको और कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं तो हम करेंगे ध्यान। ध्यान करेंगे तो हम अंतर्मन तक पहुंचेंगे, अंतर्मन तक पहुंचेंगे तो हैप्पीनेस तक पहुंचेंगे, सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो यहाँ तक कि ऐसा कहते हैं कि एक बार आप जब अपने अंतर्मन की शक्ति को टैप कर लेते हैं और उसके साथ ही हमेशा रहना शुरू कर देते हैं, तो अगर आप उसकी संगत में आ जाए, ऐसे आदमी के संगत में भी आ जाए, तो संगत वाला आदमी भी अपने आप आनंद की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हैप्पी गो लकी होते हैं, वो खुद भी खुश रहते हैं, आप उनकी संगत में रहते हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं। कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन फिर भी बस उनके साथ आप हैं तो आपको बस ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जो है अच्छे लोगों से बात करके ही आपको ठीक लगने लग जाता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, उनको जो है अपने आप उम्मीद जाग जाती है। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है लेकिन फिर भी जाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंतर्मन के साथ कनेक्शन अच्छा है, तो वो जो है कॉन्टेजियस होता है, उनके आसपास के लोगों में भी वो फैलता है। तो इसलिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करना चाहिए? सिंपल सरल विधि है, सांसों पे ध्यान देना। इसके बारे में बुद्धिज्म में भी बोला गया है, आनापान सति बोलते हैं उसको, और हमारे यहाँ पे भी बोला गया है सनातन धर्म में कि आपको सोहम ध्यान करना चाहिए। टिबेटन लोग उसको होंगसो भी बोलते हैं। तो बेसिकली सांसों पे ध्यान देना है। कैसे? आती जाती सांसों पे ध्यान देना है। अब कुछ लोग जो है यहाँ पर नॉर्मली हम जो ध्यान करते हैं, हम ये करते हैं कि जो आती जाती सांसें हैं उनको बस देखना है, हमको कुछ नहीं करना, हमको डीप ब्रीदिंग नहीं करनी, हमको काउंटिंग भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस आ रही है जा रही है सांस, हमको बस देखना है। तो ये एक नॉर्मल तरीका होता है। आज हम इसको और ज़्यादा रिफाइन करेंगे। कैसे रिफाइन करेंगे? आज हम अफर्मेशंस को जोड़ देंगे विथ प्राणायाम, विथ सोहम मेडिटेशन। तो कैसे? आप इसमें जो है इनहेल करते वक्त अपने अफर्मेशन को बोलेंगे, एक्सेल करते वक्त भी अफर्मेशन को बोलेंगे। तो जब आप पूरी विश्व से वैश्विक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा सांसों के माध्यम से अंदर लेंगे तो उस वक्त भी आप एक अफर्मेशन करेंगे, और फिर आप उसको जब छोड़ेंगे तो आप अपनी डिज़ायर को अपनी सांसों के साथ पूरे यूनिवर्स में बाहर फेंकेंगे, और उसके बाद यूनिवर्स आपको जो भी देना है वो देगा। और इसमें क्या होता है, आप सांसों पर ध्यान रखते हैं, आती सांस में एक बार अफर्मेशन, जाती सांस में एक बार अफर्मेशन, तो ये जब एक रिदम बन जाता है सो हम तो उसी तरीके से अफर्मेशन आता है जाता है और एक रिदम बन जाता है, और उसमें आपका मन जो है वो शांत हो जाता है। बाकी के सारे जो विचार है वो आने के लिए टाइम बचता नहीं है, और इसके वजह से फिर आप निर्विचार होते चले जाते हैं। निर्विचार होते हैं तो आनंद की प्राप्ति, पीस, शांति आपको मिलती है, और साथ साथ में कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़िया होता है। तो ये जो अफर्मेशन आप कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, और फिर जैसे आप शांत होते जाएंगे, अगर आप 15 मिनट आधा घंटा ये मेडिटेशन कर लेंगे तो जो भी आपका अफर्मेशन था वो आपके अंतर्मन में बाण की तरह घुस जाएगा, और जैसे वो घुसा तो काम होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आप रोज़ करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये अफर्मेशन करने हैं। अब ये ग्रैटिट्यूड के लिए भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग गुड इन माई लाइफ। तो आपको इनहेल करना है और सोचना है इस अफर्मेशन के बारे में, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग गुड इन माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग गुड इन माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग गुड इन माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग गुड इन माई लाइफ। अगर आप फाइनेंस के लिए करना चाहते हैं, आई एम एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, आई एम एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, आई एम एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, आई एम एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इस तरीके से आपको इनहेल एक्सहेल करना है। मैंने थोड़ा फास्ट करके दिखाया आपको, इतना फास्ट आपको नहीं करना है, आपको स्लोली करना है। तो इस तरीके से स्लोली स्लोली आपको करना है, और आती सांस के साथ एक बार, जाती सांस के साथ जो है एक बार। अगर आप चाहें तो आती सांस के साथ इनहेलेशन के साथ एक बार आप होल्ड करिए ब्रेथ को एक बार अंदर, और फिर एक्सहेलेशन के साथ एक बार। तो आप पूरक, कुंभक, रेचक तीनों अवस्थाओं में इसको करेंगे। आप बाह्य कुंभक में भी कर सकते हैं, तो इनहेलेशन के साथ एक बार, कुंभक के साथ एक बार, एक्सहेलेशन के साथ एक बार, फिर बाहर भी आप सांस रोकेंगे वहां पे भी एक बार, फिर इनहेलेशन वापस स्टार्ट करेंगे साइकिल। तो इस तरीके से चार बार भी एक साइकिल में आप अफर्मेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपर फोकस हो जाते हैं आप, और अंतर्मन में वो बात उतर जाती है। रोज़ाना आप पीस को अनुभव करेंगे ज़रूर, और आप बाकी सारी चिंताओं को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, ओवरथिंकिंग को भूल जाएंगे कम्प्लीटली। अगर आप ये आधा घंटा भी कर लेते हैं भूल जाएंगे सब कुछ। तो ग्रैटिट्यूड कर लो उसी में, अफर्मेशन भी उसी में कर लो, दो चार अफर्मेशन लेके जो है 10-10 मिनट के सेट बना लो, और फिर आधे घंटे में ख़त्म करो। तो ये करो और फिर सो जाओ। अगर ये रात को कर सकते हो बहुत बढ़िया है, बाकी टाइम कर सकते हो कभी, वो भी ठीक है। मेडिटेशन करना है तो रात को करना है या सुबह को उठते ही करना,
बहुत अच्छा होता है क्योंकि मन ऑलरेडी शांत होता है, तो उसके बाद वो चीज़ आपके अंतर्मन में ज़रूर जाएगी और वहीं पर सेटल हो जाएगी और उसके बाद बाकी की चीज़ें नहीं होंगी पूरी रात, तो इसके वजह से फिर वो चीज़ें होने में आपको मदद मिलती है। तो भला विजुलाइजेशन करके, एफर्मेशन करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके कैसे चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हो सकता है, ये बकवास है ये, ऐसा आपको लगता है तो भैया इसके ऊपर ढेर सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। आप जाइए बियॉन्ड सीक्रेट नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, पूरी वीडियो सारी जो है प्लेलिस्ट सारे वीडियोस देख लो आपको समझ में आ जाएगा। द सीक्रेट के ऊपर भी एक समरी बुक समरी मैंने बनाई है वो भी आप देख सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बियॉन्ड द सीक्रेट, ये दो प्लेलिस्ट आपको ज़रूर दिखने चाहिए, सुनने चाहिए। और आप अगर हो सके तो YouTube प्रीमियम ले लो बिकॉज एड्स बहुत आते हैं, बिकॉज मेरी वीडियोज़ हैं वो काफ़ी लंबे हैं तो एड्स वगैरह डाल देते हैं YouTube वाले, तो आपको जो है तकलीफ हो सकती है। YouTube प्रीमियम लेते हो तो आपको ये सारी तकलीफें नहीं आएंगी, विदाउट एड आप ये सारी चीज़ें सुन सकते हो और YouTube बैकग्राउंड में भी प्ले कर सकते हो और ये सारी वीडियो जो है आप एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे जो आपको किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब में नहीं मिलेंगे, किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्कशॉप में, सेमिनार में नहीं मिलेंगे। तो आपको बिना सुपरस्टिशन के, बिना बुलशिट के, आपको क्लियर कट लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के बारे में सब कुछ। तो जो द सीक्रेट है इट विल नो लॉन्गर बी अ सीक्रेट फॉर यू अगर आप मेरे ये दो प्लेलिस्ट सुन लेते हो। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो और ये जो मेडिटेशन है इसको रोजाना आपको करना है, ग्रैटिट्यूड को करना है, साथ साथ में आपको करना है अफर्मेशंस। बहुत ही आसान है, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, लेकिन उसके साथ में आपको जोड़ देने हैं अफर्मेशंस और ये जब आप करते हैं तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक बन जाता है। तो इसको मैं बोलता हूँ ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, आप इसको ज़रूर करिए और इसका लाभ लीजिए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करो वीडियो को तुरंत और शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी भासू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।